हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे गोलगप्पा, पानीपुरी, गुपचुप भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं जिस तरीके से इस रेसिपी को बनाऊंगी, अगर आप इस तरीके से इसे बनाएंगे तो एकदम फुले फुले परफेक्ट गोलगप्पे बनके तैयार होंगे। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। पानीपुरी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी सूजी लिया है। आज मैं पानीपुरी सूजी से बनाने वाली हूँ। सूजी से एकदम परफेक्ट फुले फुले पानीपुरी बनके तैयार होते हैं। तो मैंने यहाँ लगभग 200 ग्राम सूजी ले लिया है और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ थोड़ा सा नमक और इसको कर देंगे मिक्स। मैंने एक गिलास पानी लिया है, इसको हमने थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लिया है और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करना है। तो मैं अभी हाथों से अच्छी तरह से इसको मसलते हुए मैं यहाँ एक डो तैयार कर लेती हूँ। सूजी में ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, नहीं तो ये गीला भी हो सकता है। हमें गीला आटा नहीं लगाना है। तो मैं इसको इस तरीके से मसल के अभी रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। तब तक ये अच्छी तरह से फूल के सेट हो जाएगा। 15-20 मिनट हो चुका है, अब हम चलिए आटे को देख लेते हैं। आटा हमारा ये देखिए, सूजी एकदम फूल के पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और एकदम सख्त डो बन गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं। अगर किसी तरह से आपका आटा अगर गीला हो जाए, अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा और सूजी डाल के डो को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। एक छोटा सा लोई लेके हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। इस लोई को बेलने के लिए हम मैदा लिया है। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इस यहाँ पर आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आप आटा से ना बेलना चाहें तो आप इसमें तेल लगा के भी बेल सकते हैं। तो मैं इसका एक रोटी बना के तैयार कर लेती हूँ। अभी मैं आपको दो तरीके से गोलगप्पे को बनाने बताऊँगी। तो मैं अभी पहले इसको बेल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने बड़ा और एकदम पतला रोटी बना के तैयार कर लिया है। गोलगप्पे का जो पूरी है उसे हम दो तरीके से बनाने बताएंगे। यहाँ पर मैंने एक बोतल लिया है। अगर आपके पास कोई और जैसे गिलास या कटोरी या किसी चीज़ का ढक्कन अगर आपके पास छोटा साइज का हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने यही लिया है। तो ये देखिए, मैं इससे आपको पानी पूरी का जो पूरी है उसे मैं कट करके बताती हूँ। तो चलिए सभी पूरियों को हम इसी से काट लेते हैं छोटे छोटे साइज में। ये देखिए, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका पूरी बनके तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, मैं इसका एक्स्ट्रा आटा निकाल देती हूँ। इसी तरह से आप बहुत सारे पूरियों को बना के तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक आप लोई ले और उसको इस तरीके से लंबा करके आप यहाँ छोटा छोटा लोई इस तरीके से काट लें, एकदम छोटा छोटा, जिस तरीके से पानी पूरी होते हैं उसी साइज में आप इस लोइयों को काट लें और इसको गोल करके इस तरीके से पेड़े का शेप दे दें और वही फिर से सूखा आटा इसमें लगाएं और इस तरीके से हाथों से बेल लें। ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए इसी तरीके से सभी पूरियों को बेलूँगी। और यहाँ देखिए, मैंने इसी तरीके सारे पूरियों को बेल के तैयार कर लिया है। अब चलिए हम पूरियों को तल लेते हैं। और ये देखिए, अब तेल गरम हो चुका है, अब हम पूरियों को तलते हैं। ये देखिए, मैंने पहला पूरी डाला, ये देखिए कितना बढ़िया तरह से फूल के तैयार हुआ है। आप जैसे ही पूरी को डालें, आप झारे को इस तरीके से दबाते हुए आप पूरियों को फुलाएं। इस तरीके से अगर आप पूरियों को फुलाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पूरी फूल के तैयार हो जाएंगे। इसे फुलाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ चारों पूरियों को डाला है और चारों पूरी हमारा बहुत ही बढ़िया तरह से फूल के तैयार हो गया है। एकदम फुला फुला और एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए, मैंने यहाँ पूरियों को उलट पुलट करते हुए इसे हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो चलिए इसे हम रख लेते हैं। एकदम से लग रहा ना जैसे हमने ठेले वाले के पास जैसे खाते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी तरह से। अब हम दूसरा बैच आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने पहले बैच में सभी पूरियों को फुला फुला आपको दिखाया है। ये देखिए, इस बार भी एकदम से फुले फुले सारे पूरी बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, अगर आप बेलने में कोई मिस्टेक नहीं किए हैं तो एकदम से सारे पूरी फूलेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया एकदम बन के तैयार है हमारा गोलगप्पा।
अब चलिए हम गोलगप्पे का पानी बना लेते हैं। मैंने यहाँ इमली को गर्म पानी में डाल के इसे आधे घंटे पहले ही रख दिया था फूलने के लिए। अब मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको इस तरीके से बाउल ले लूँगी और उसके ऊपर मैं इस तरह छन्नी रख के और इसको इस तरीके से छान लूँगी। छानने से क्या होगा कि इसका जो बीज है वो अलग हो जाएगा और पल्प अलग हो जाएगा। तो चलिए, मैंने इस बीज को अलग कर लिया है, अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और मैं यहाँ 2 गिलास पानी डाल दूँगी गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले पुदीना और हरी मिर्च को पीस लूँगी ग्राइंडर में डाल के। यहाँ पर पुदीना पत्ता के साथ धनिया का पत्ता भी आप डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है। और जिसमें मैं गोलगप्पे का पानी बनाऊंगी उसी में मैं एक छन्नी से इसको छान लेती हूँ इस तरीके से। जो हमारा ये बच गया है पुदीने का पेस्ट, उसे मैं फेंकेंगे नहीं, हम रख लेंगे उसको, अभी बाद में हम मसाले में यूज करेंगे। तो ये देखिए, मैंने पानी में पुदीने का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर लूँगी। यहाँ हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और हम यहाँ डालेंगे मसाला। मसालों में मैंने यहाँ जीरा, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च, धनिया, इन सभी चीज़ों को हमने तवे पे भून लिया है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हमने इसका एक पाउडर बना लिया है, हम इसी को डालेंगे इसमें। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये पानी पूरी के लिए बहुत ही अच्छा मसाला है। हमें अलग से जीरा और ऐसे काली मिर्च, धनिया, इन सभी चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी में सभी चीज़ को मिक्स कर लिया है। अब हम लास्ट में यहाँ पर हम नींबू का स्लाइस डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें डालें, नहीं तो ना डालें। तो ये लीजिए फ्रेंड, पानी पूरी का पानी, तीखा पानी बनके तैयार है। अब हम यहाँ बनाएंगे मसाले को। तो मैंने यहाँ 2 आलू उबला हुआ लिया है, इसका हमने छिलका निकाल लिया है। और हम यहाँ डाल देंगे 2 कटा हुआ हरा मिर्च, साथ ही हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, और हम साथ ही डाल देंगे यहाँ मटर, हमने उबाल के लिया है। और जो हमारा पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट हमने जो छान के बचा के रखा था, उसे हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और हमने जो मसाला लिया था भुना हुआ, धनिया, जीरा, काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च को हमने जो भून के उसका पाउडर बनाया था, वही हम इसमें भी डालेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू को हम मैश कर लेंगे और इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे हम। तो ये देखिए, मैंने मसाले को तैयार कर लिया है, पानी पूरी के लिए मसाला बन के तैयार है। तो चलिए, मैं यहाँ एक पानी पूरी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरियों को फोड़ लेंगे बीच से, और इसमें हम थोड़ा सा मसाला इसमें डाल देंगे। पानी पूरी को तीखे चटपटे पानी में हम डालेंगे। हमारा पानी पूरी बनके तैयार है। मैं और एक पानी पूरी आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। यहाँ पर देखिए, मैंने ये लीजिए, मैंने तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम से चूर हो गया है, एकदम क्रिस्पी बना हुआ है। इस तरीके से आप अगर पानी पूरी को बनाएंगे तो आप ठेले वाले के पास खाना भूल जाएंगे। इस लॉकडाउन में आप अगर पानी पूरी को मिस कर रहे हैं तो आप इसे घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें, एकदम आसान है। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट फुला फुला पानी पूरी बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।